नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकल 18। मैं आपके साथ विनय अग्निहोत्री। जो आप ये मूर्तियां देख रहे हैं, ये भगवान राम की मूर्ति है और यहां पर कौशल्या माता की मूर्ति है। छत्तीसगढ़ में 9 मूर्तियों की जो स्थापना होनी है भगवान राम वन गमन पथ की जो कि राजधानी भोपाल के रातीवाड़ में 2 मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। आइए हम बात करते हैं कारीगर सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकल 18 में। थैंक यू भैया। इस मूर्तियों के बारे में बताएंगे आप, जो है कैसे है आप ये मूर्ति बनाते हैं, कब से बना रहे हैं? मूर्ति तो काफ़ी समय से बना रहे हैं, मेरे को 2000 से ही वर्किंग में हैं हम और कंटिन्यू कर रहे हैं, इनको बना रहे हैं। तो ये मूर्ति तो जो है हम लोगों ने 3 महीने पहले स्टार्ट की थी। और ये भगवान श्री राम की मूर्ति है? हाँ जी, ये भगवान श्री राम की मूर्ति है, 25 फीट। इसकी वजन की बात करें तो कितना वजन होगा इनका? इस मूर्ति का वजन होगा करीब 35 टन के लमसम होगा। हाँ, थोड़ा सर इसके अलावा और आप कौन कौन सी मूर्तियाँ बनाते हैं, इसके बारे में बताएंगे? हम लोग विजुअल आर्टिस्ट हैं तो कई तरह के काम करते हैं, कुछ कंटेम्प्रेरी काम भी करते हैं, रियलिस्टिक काम भी करते हैं, कुछ कॉमर्शियल में किसी भी तरह का काम आता है, भगवान से संबंधित और बाकी काम भी करता है। कौन सा स्टोन है, कहाँ का पत्थर है, बताएंगे इसके बारे में? ये ग्वालियर सेंट स्टोन है, ग्वालियर से ही आया है। थोड़ा काम करना इजी होता है, फास्ट काम करना है, जल्दी कुछ काम करना है तो इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग। इसमें कितना टाइम लगा होगा, बात करें तो कितने कारीगर इसमें लगे होंगे बनाने में? हम लोग 8-10 लोगों की टीम है, 3 महीने से काम कर रहे हैं और 3 महीने का टाइम गया है उसमें। ये मूर्ति कब रवाना होगी छत्तीसगढ़ में? आज थोड़ा काम इसका फिनिशिंग टच चल रहा है, कल मे भी निकल जाएगी ये यहाँ से। बनाने की प्रक्रिया बताएंगे, क्या इनकी मूर्ति बनाने की प्रक्रिया होती है? जो है प्रोसेस तो अभी आप देख लेना, अभी थोड़ा लंच टाइम है, अभी हम लोग वर्किंग शुरू करेंगे। वर्किंग में सिंपल है, हम लोग मशीन का उपयोग करते हैं और पहले ड्राइंग कर लेते हैं, कोई भी सपोज जैसे माला का या कोई भी कपड़ा या कुछ भी निकालना है, एक बार बेसिक ड्राइंग किया। ड्राइंग करने के बाद हम लोग थोड़ा देखते हैं कि कहाँ पे क्या कट लेना है, उभार कहाँ पे, तो मशीन का उपयोग करके उसको ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि इस प्रोजेक्ट की, थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे आपको, जो है कितने महीने पहले ये प्रोजेक्ट मिला था और कैसे आप जो इसमें लगे? देखो, हमारे एक साथी हैं प्रमोद गायकवाड़, है ना, तो उन्हीं के पास ये, मेरे को बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है इस बारे में, तो उन्होंने मेरे को बताया था इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो हम लोग उसको लेके फिर काम कर रहे हैं। अभी तक आपने कौन कौन सी भगवान की मूर्ति बना चुके हैं, बात करें तो? हम लोग श्री राम बना चुके हैं, बुद्धा हैं, कौशल्या माता बना रहे हैं, और भी मूर्तियां मतलब रियलिस्टिक में कुछ और भी अलग, जैसे गांधी जी हैं, इस तरह की मूर्तियाँ भी, और बहुत सारी मूर्ति रहती हैं जो भी कॉमर्शियल आता है तो बनाते हैं। 3 फुट की आप लोगों ने अभी तक मूर्ति बना चुके हैं, अगर बात करें तो हाईएस्ट? ये थोड़ा सबसे बड़ी है अभी तक की, 25 फीट, उससे नीचे ही था कभी 10-15 फीट तो बनाया है पहले। क्या वजन हुआ इनका, बात करें तो? वजन वही मैंने बताया ना, 35 टन के लमसम वजन है इसका। और आगे क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं और क्या क्या आप मूर्ति बनाने वाले हैं? अभी इसका तो मतलब ये तो अभी समापन पे ही है, बाकी कुछ और भी काम है हमारे, कुछ कंटेम्प्रेरी स्कल्पचर हैं, हमारे खुद के अपने ड्राइंग्स हैं, वो हम लोग अगले नेक्स्ट मंथ से शुरू करेंगे। इस तरह के कुछ काम रहते हैं, रेगुलर कुछ ना कुछ रहता है, ये चलता अच्छा, रहता है। बात करें कि मध्य प्रदेश के अलावा आप और किन किन शहरों में अपनी मूर्तियाँ भेजते हैं या फिर विदेशों में भेजते हैं क्या मूर्ति बना के? मैं दिल्ली में था, हम लोग बॉम्बे या कहीं अलग अलग जगह भी काम करते रहे हैं रेगुलर, तो रहता है।